हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डिलाइटेड। आज मैं जो एक स्टोरी टेलिंग की सेकंड सीरीज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी स्टोरी जिसके थ्रू आप स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस अगर आप अपने रूटीन में लेके आओगे तो डेफिनेटली यू विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में मैं एक डिस्कस करूँगा जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फैसला आया है रिगार्डिंग ए पर्सन हु रेप्ड ए स्मॉल गर्ल, जिसने एक छोटी बच्ची का रेप किया जो कि 4 साल की थी, फिर उसको मार दिया। और अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उस केस में उसकी डेथ सेंटेंस थी, जो उसको मृत्यु दंड मिला हुआ था, उसको कम्यूट कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो आप मुझे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है या नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जो डेथ सेंटेंस है वो उसमें मिलनी चाहिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे सीख सकते हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। टुडे आई विल टॉक अबाउट द ए वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंसमेंट, इफ ए पर्सन कमिटिंग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, देन ही वुड गेट और ही वुड एलिजिबल टू गेट डेथ सेंटेंस। बट रिसेंटली दैट इज द टोटली डिफरेंट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, because a person who raped a small girl, that is 4-year-old girl, and afterwards killed her, session court gave verdict against the person and awarded him death sentence, but supreme court commuted his death sentence to the life imprisonment. Now you have to decide this is the rarest of the rare case or not. Please let me know in the comment section what you are thinking about this type of केस। दैट इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। ऐसे ही आप अपने कन्वर्सेशन में इंक्लूड कीजिए, ऐसी छोटी छोटी स्टोरियों को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए अपने कैमरे के सामने। डेफिनेटली यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। थैंक्स फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो और द नेक्स्ट डे। बाय।